दोस्तों, अगर आपको भी इमरजेंसी में एक या फिर दो दिन में कहीं पर जाना हो, इस कंडीशन में दोस्तों जब आप इंडियन रेलवे की साइट पर जनरल में ट्रेन टिकट सर्च करके टिकट बुक कर रहे हैं, तब दोस्तों काफ़ी वेटिंग बताया जा रहा है, तब दोस्तों वो वेटिंग कन्फर्म नहीं हो सकती है, तब दोस्तों आपको जाने का उपाय है और टिकट बुकिंग करके जाने का उपाय मात्र एक ही रास्ता बचता है, वो है दोस्तों तत्काल टिकट। जी हाँ दोस्तों, आपको कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, मात्र ट्रेन खुलने के एक दिन पहले आप तत्काल में टिकट बुकिंग करके आसानी के साथ अपना कन्फर्म टिकट पाकर सफर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट क्या है। चूंकि दोस्तों जब आप जनरल में टिकट बुकिंग करते होंगे, तब दोस्तों वहां पर आपको वेटिंग बताया जाता होगा, एक या फिर दो दिन में आप टिकट बुक कर रहे हैं अगर आपको बिजी रूट है तब। लेकिन दोस्तों तत्काल ही एक मात्र ऐसा टिकट है जो कि एक या फिर दो दिन में टिकट बुकिंग करके आप जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग इस तत्काल कोटे में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से लोग होंगे जो कि तत्काल कोटा सेलेक्ट करके अपना टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, कोई लोग होंगे क्या? चूंकि दोस्तों सीनियर सिटीजन में वही लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं जिसका उम्र 45 साल या फिर 60 साल होना चाहिए, मेल या फिर फीमेल के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं आपको दूसरा चीज बताने वाला हूँ कि बुकिंग का समय क्या है। आखिरकार जब हम तत्काल टिकट बुकिंग करेंगे तो कितने बजे बुक होता है, कितना समय में कितना बजे बुक होता है। और दोस्तों इसी में मैं आपको पॉइंट टू बताने वाला हूँ, कितना दिन पहले बुक होता है। काफी सारे लोग को यह नहीं पता होता है कि तत्काल टिकट कितने दिन पहले बुक होता है, एक दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, आखिरकार कितने दिन पहले। चूंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो एक दिन पहले जब तत्काल टिकट बुक कर रहा था तब तो हुआ ही नहीं, दो दिन बाद का दिखाया है तत्काल में बुकिंग, और आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले। दोस्तों काफी सारे लोगों को कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुकिंग होती है यह मिथ है, और दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका यह मिथ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि कितने दिन पहले बुक होता है। और दोस्तों मैं आपको तीसरा बताने वाला हूं कि तत्काल टिकट जब हम बुक करेंगे तो उसमें किराया कितना लगेगा। और दोस्तों मैं आपको चौथा बताने वाला हूं, जब आप तत्काल में टिकट बुकिंग करिएगा तब दोस्तों कंफर्म टिकट बुक होने के बाद आपको सीटें कैसी मिलती है, जब टिकट बुकिंग करिएगा तब आपको सीटें कैसी मिलती है भाई, सिंपल। और दोस्तों मैं आपको पांचवा बताने वाला हूं, जब आप तत्काल में टिकट बुक कर लीजिएगा और अगर उस टिकट को कैंसिल करिएगा तब आपको कितने देर पहले कैंसिल करने पर कितने रुपया रिफंड मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको छठा भी बताने वाला हूँ, ये दोस्तों छठा क्वेश्चन मैं अपने माइंड से सोचा हुआ है कि लोगों को प्रॉब्लम यह भी आ सकती है कि तत्काल टिकट बुकिंग करने पर टिकट कैसी कैसी मिलने की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे हो तो टिकट बुक हो जाने के बाद टिकट कैसी कैसी मिलने की संभावना रहती है, मतलब कि कन्फर्म, वेटिंग लिस्ट या फिर आरएसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तत्काल टिकट क्या है, कौन कौन से लोग इस तत्काल कोटे में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडियन रेलवे में तत्काल एक प्रकार का कोटा होता है जो कि दोस्तों हर दिन यह ट्रेन खुलने से अपने नियम के अनुसार टिकट बुकिंग होना स्टार्ट होती है, ताकि दोस्तों हम लोग इमरजेंसी में जाना चाहते हैं उनके लिए यह सुविधा दी जाती है कि आप तत्काल कोटा सेलेक्ट करके आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं और आप आसानी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों इसी में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग इस तत्काल कोटे में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों जो जो लोग जनरल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं वह सब लोग तत्काल कोटे में सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इतने साल तक तत्काल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे लोगों को तत्काल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों यह तत्काल कोटा हम लोग आम पब्लिक के लिए ही है कि हाँ भाई, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, एक दो दिन में जाना है, तब अगर तत्काल में सीटें हैं आप सेलेक्ट करके आप अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि तत्काल में कौन कौन से लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तत्काल में वो सभी लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं जो जो लोग जनरल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में, बुकिंग का समय। तत्काल टिकट जब हम बुक करेंगे तो कितना बजे बुक करेंगे? तो भाई साहब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, तत्काल टिकट जब भी आप बुक करिएगा तो एसी क्लास के लिए सुबह के 10 बजे से खुलती है। तत्काल टिकट एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे एकदम खुल जाती है, उसका कोटा ओपन हो जाता है। आप वहाँ पर तत्काल में सेलेक्ट करके अगर आप फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी में अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो सुबह के 10 बजे खुलती है। और अगर आप मान के चलिए नॉन एसी में टिकट बुकिंग कर रहे हैं, जैसे कि बैठने वाला सेट के सेकेंड सीटिंग या फिर स्लीपर क्लास में अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो सुबह के 11 बजे खुलती है। लेकिन इसके पॉइंट टू वाला बात आता है कि कितने दिन पहले बुक होता है, काफ़ी सारे लोग को यह नहीं पता होता है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ट्रेन जहाँ से खुलती है उसके एक दिन पहले तत्काल में टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब काफी सारे लोग अभी तक नहीं समझ पाओगे कि ट्रेन जहां से खुलती है वहां से एक दिन पहले मतलब क्या है। तो दोस्तों यह मतलब समझाने के लिए बस एक मिनट और समय दीजिए। मान के चलिए दोस्तों कोई एक ट्रेन है जो कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाती है, लेकिन वह पी स्टेशन से होकर गुजरती है, मतलब कि वह ट्रेन पी स्टेशन पर भी रुकती है, उस ट्रेन का स्टॉपेज पी स्टेशन भी है। मतलब वह ट्रेन ए स्टेशन से चलेगी तो पी स्टेशन पर रुकेगी और पी स्टेशन के बाद जेड स्टेशन तक रुकेगी। मान के चलिए दोस्तों
दोस्तों कि आपको तत्काल में टिकट बुकिंग करना है ए स्टेशन से, और वो ट्रेन जो है ए स्टेशन से 5 तारीख को खुलेगी। इस महीने की 5 तारीख को वो ट्रेन ए स्टेशन से खुलती है, तो आपको इस महीने की 4 तारीख को टिकट बुकिंग करना होगा सुबह के 10 बजे एसी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो, और सुबह के 11 बजे नॉन एसी के लिए। कब आपको टिकट बुकिंग करना होगा? 4 तारीख को, चूँकि वह ट्रेन अपने सोर्स स्टेशन मैंने ए स्टेशन से ही शुरू होती है। कितना तारीख को? 5 तारीख को। तो आपको 4 तारीख को टिकट बुकिंग करना होगा। लेकिन भाई साहब, कोई लोग पी स्टेशन से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं जेड स्टेशन तक, तब कितने तारीख को ये पी स्टेशन वाले लोग टिकट बुकिंग करेंगे? कोई एक ट्रेन है जो कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाती है और पी स्टेशन पे रुकती है, और वह ट्रेन 5 तारीख को ए स्टेशन से चलती है और पी स्टेशन पे 7 तारीख को आती है। और अगर आप पी स्टेशन से जेड स्टेशन तक तत्काल में टिकट बुकिंग करना चाहें तो आप कितने तारीख को टिकट बुकिंग कर सकते हैं? चूँकि यह ट्रेन तो 5 तारीख को ही खुला था, तो कोई कहेगा अच्छा यह ट्रेन 7 तारीख को आएगी ना पी स्टेशन पे, तो हम 6 तारीख को टिकट बुकिंग करेंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोई ट्रेन है या पी स्टेशन पे 7 तारीख को आती है तो 6 तारीख को बुक होगा, ऐसा किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं। सोर्स स्टेशन से एक दिन पहले, यह ट्रेन जब 5 तारीख को खुली थी ए स्टेशन से, तो 4 तारीख को ही बुक होगा पी स्टेशन से जेड स्टेशन तक, ना कि 6 तारीख को। ट्रेन जहाँ से खुलती है उसके एक दिन पहले से ही बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो ट्रेन जहाँ जहाँ भी रुके, जहाँ जहाँ से आप टिकट बुकिंग करना चाहते हो। ये बात आप माइंड में रख लीजिएगा। ये दोस्तों मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता था। कि आपको ये बात समझ में आया, आप नीचे कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। अब दोस्तों हम तीसरा बात कर लेते हैं कि जब हम तत्काल में टिकट बुकिंग करेंगे तो इसमें किराया कितना लगता है। तो दोस्तों देखिए, जनरल के मुकाबले तत्काल में तो किराया आपको ज़्यादा लगेगा, 100 रुपया या फिर 200 रुपया तक आपको स्लीपर क्लास में ज़्यादा लगेगा किराया। और अगर आप एसी क्लास की बात करें तो 300 से 400 से 500 तक आपको टिकट प्राइसिंग के ऊपर में एसी क्लास के लिए ज़्यादा लगेगा। मतलब कि तत्काल में टिकट जो है ना वो जनरल से ज़्यादा लगेगा, लेकिन यह प्रीमियम तत्काल की तरह नहीं है कि इसका प्राइस भी अप होता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका प्राइस जो है ना फिक्स रहता है। अगर तत्काल में 100 सीटें खाली है तो एक लोगों के लिए लग रहा है मान के चलिए 800 रुपया, तो शुरू से लेकर अंत तक इसका प्राइस का डिमांड ही 800 रुपया ही रहेगा। ये प्राइस बढ़ेगा घटेगा बिल्कुल भी नहीं, इसका प्राइस बिल्कुल फिक्स रहेगा। अब दोस्तों हम चौथा बात करने वाले हैं, जब आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर लीजिएगा तो इसमें सीटें कैसी मिलती है। चूंकि काफ़ी सारे लोगों को यह डाउट होता है आरएसी भी तो नहीं मिल सकती है तत्काल में, तो भाई साहब समझ लीजिए, तत्काल कोटा में जब भी आप टिकट बुकिंग करिएगा तो यहाँ पर या तो आपको कन्फर्म मिलेगा, मतलब कि कन्फर्म अगर मिलेगा तो सीट आपको पूरा फुल बर्थ मिलेगा। तत्काल टिकट बुकिंग में अगर आपका कन्फर्म है तो बिल्कुल फुल सीट मिलेगा तत्काल में, यह भी आरएसी के लिए कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों हम पांचवा बात कर लेते हैं कि तत्काल टिकट अगर हम बुक करें और अगर किसी कारणवश वो हमें कैंसिल करना पड़े तो कितने देर पहले कैंसिल करने पर कितने रुपये रिफंड मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, यह आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए कि कितने देर पहले कैंसिल करेंगे तो कितने रुपये मिलेंगे। चूँकि यह क्वेश्चन इसलिए मैं कर रहा हूँ, पूछना नहीं चाहिए कि अगर आपने तत्काल टिकट बुक कर लिया है, तत्काल में सेलेक्ट करके अगर आपने टिकट बुक कर लिया है और अगर वह आपका कन्फर्म टिकट है तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हैं। मतलब कि तत्काल में कंफर्म बुक हुआ टिकट, अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हैं तब आप भूल करके भी कैंसिल मत करिएगा, यहाँ पर आपको 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं छठे पॉइंट की तरफ बात कर लेता हूँ, तत्काल टिकट बुकिंग करने पर टिकट कैंसिल कैसे मिलने की संभावना रहती है। चूँकि दोस्तों जब आप प्रीमियम तत्काल कोटे में सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग करते हैं तब उसमें मात्र और मात्र अगर बुक होगा तो सिर्फ कन्फर्म टिकट बुक होगा, नहीं तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपको बुक होगा और नहीं तो आपको आरएसी में टिकट बुकिंग होगा। लेकिन तत्काल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तत्काल में आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तब काफी सारे लोगों को आज भी अमित है कि तत्काल का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट, नहीं तो वेटिंग लिस्ट, नहीं तो आरएसी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप तत्काल कोटे में सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको यहां पर कंफर्म भी मिल सकता है, आपको यहां पर वेटिंग लिस्ट भी मिल सकता है, आरएसी तो यहां पर मिलेगा नहीं, आपको यहां पर कंफर्म या फिर वेटिंग लिस्ट मिल सकता है। कंफर्म के बाद डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट। और काफ़ी सारे लोग पूछेंगे तो अच्छा वेटिंग लिस्ट वाला आरएसी में आ सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका तत्काल का वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग से या तो डायरेक्ट कंफर्म होगी या फिर अगर कंफर्म नहीं तो वेटिंग वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे अगर तत्काल में वेटिंग बुक हो गया अगर वो कैंसिल होगा तो पैसा मिलेगा नहीं? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल मिलेगा। तो अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद तत्काल की वेटिंग लिस्ट आपको तत्काल की वेटिंग लिस्ट में ही रह जाती है तो 60 रुपया कट कर आपको पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। हाँ, जीएसटी वगैरह भी जितने रहते हैं वो काटे जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने तत्काल टिकट 2023 के ऊपर में कंप्लीट बातें बताई है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।